हेलो दोस्तों, मैं हूँ उर्मिला बिष्ट और आप देख रहे हैं स्टोरी ईगल। आज की कहानी है किसान और मोटापा। प्राचीन समय के लोग बहुत परिश्रमी होते थे। उनमें मोटापा नाम की कोई समस्या नहीं थी, जिससे उन लोगों को बीमारी भी बहुत कम लगती थी। तब इस बात से परेशान होकर मोटापा अपनी पत्नी बीमारी के साथ भगवान के पास गया और पूछा, आपने हमें क्यों बनाया जब इस धरती पर हमें कोई अपने पास फटकने भी नहीं देता है। भगवान ने कहा, एक समय आएगा जब इस धरती पर तुम दोनों का राज होगा, धैर्य रखो। वक्त गुजरा, लोग आलसी होने लगे और मोटापा अपनी पत्नी बीमारी के साथ इंसानी शरीर में वास करने लगा। देखते ही देखते उनका साम्राज्य बढ़ने लगा। हर कोई मोटापा और बीमारी का शिकार हो गया। शहरों और महानगरों में अपना राज स्थापित करने के बाद मोटापा गांव में भी राज करना चाहता था। एक दिन मोटापा अपनी पत्नी बीमारी के साथ गांव की ओर आया। वहां उसकी मुलाकात एक किसान से हुई, जो खेत में काम करके अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी घर जा रहा था। उनकी खुशी देखकर बीमारी को जलन होने लगी और उसने मोटापा से कहा, स्वामी, शहर में सब लोग हमसे दुखी हैं, पर यहाँ ये दोनों बहुत खुश नजर आ रहे हैं। मुझसे इनकी खुशी देखी नहीं जा रही है। मोटापा ने जोश में कहा, तुम चिंता मत करो, हम दोनों अभी इनके शरीर पर आक्रमण कर देते हैं। ऐसा कहते ही मोटापा और बीमारी उनके शरीर में समा गए, जिससे वे दोनों किसान पति पत्नी अचानक से सुस्त और आलसी हो गए। फिर उस दिन उन्होंने आराम करके ही दिन गुजारा। अगली सुबह किसान ने अपनी पत्नी से कहा, चलो खेत चलते हैं। किसान की पत्नी ने सुस्त भाव से कहा, आज रहने देते हैं, रोज भी क्या जाना। किसान भी आराम करना चाहता था, फिर भी उसने जाने का मन बना लिया और अपनी पत्नी के साथ खेत में पहुंच गया। खेत में आकर उन्होंने देखा कि फसल बुआई का बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। दोनों किसान पति पत्नी फसल बुआई के काम में जुट गए। घंटे भर खेत में काम करने के बाद उन दोनों का शरीर पसीने से तरबतर हो गया। मोटापा और बीमारी पसीने के साथ बाहर बह गए। शरीर में फिर से चुस्ती फुर्ती आ गई। मोटापा ने अपनी पत्नी बीमारी से कहा, इस किसान के शरीर में हमारा रहना मुश्किल है, हम शहर के लोगों के लिए ही सही हैं। जब गांव भी शहर बन जाएंगे, तब हम इन पर फिर से हमला करेंगे। इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। अगली बार फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।